सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर व्लॉग और इस व्लॉग में होने वाला है सरप्राइज, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम ऑन श्रीनगर की ये चीज़ स्टार्ट होने जा रही है और हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि लोगों ने इस म्यूज़िक को थोड़ा बहुत ही नहीं सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट शो होने वाला है, द नेम इज़ टर्टल रेस्टोरेंट जाकी। अभी हम लोग करने वाले हैं शो यहाँ पे श्रीनगर में एट श्री कोर्ट, जो पेट्रोल पम्प के पास है एग्जैक्ट, और अभी मैं अंदर आपको लेके जाऊँगा। हम लोगों ने साउंड चेक कर दिया है, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स हम लोग अभी बाहर पे आए हैं, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ है पीछे दीपक भाई, जो कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे हुए हैं, तो आइए उनसे थोड़ा बात रूबरू करते हैं, लेट्स गो। तो जल्दी शो स्टार्ट होने वाला है, तब तक आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कि हमने किस तरह से अपना साउंड को सेट किया है, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। तो आइए दिखाता हूँ। Yeah.
और मेरे साथ है हमारे व्यूवर्स। हाय बोलिए एक बार सब, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सच सच बताइए, पक्का? अरे वाह आंटी जी, एक और बोल दीजिए, क्या बात है, चौखस। तो ये ऑडियंस है यहाँ पे बैठी हुई। इंसान ने बैठे बैठे कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं, यही तो टैलेंट है। कैसा लगा? अच्छा प्रांजल भाई हमारा वो बताओ, कोई सच सच बताना, बहुत गंदा सच। देखो प्यार से, हाँ प्यार से। अच्छा मजा, प्रांजल भाई काफी मजा आया, मतलब मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मजा ही आया। आपके दोस्त का नाम? इतने सुरीले सिंगर इसने कभी नहीं सुना, सही बात है, मतलब बोल रहा था खासकर तेरे बारे में तो तारीफ। अरे भाई भाई थैंक यू, अरे भाई देखो देखो मेरी तारीफ हो रही है, मेरी यू नो मेरी। वो फिर से उठ चला गया यार रहमान के साथ, मतलब अरे भाई ये ज्यादा हो रहा है यार, सीरियस अंदर से टच हो गया बस करो यार, रहने दो यार, तुम झूठी तारीफ में बड़ी गंदी करते हो यार। सो व्हाट्स अप एवरीवन, ये हो चुका है सब खत्म, और हम लोग अप्रॉक्स हम लोगों ने 4 बजे से स्टार्ट किया और उसके बाद हम 9 बजे हमने अपना फिनिश करा, तो लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने 6 घंटे नॉन स्टॉप, 6 घंटे भी नहीं 5 घंटे हमने नॉन स्टॉप गाया है, क्योंकि बीच में कुछ हो गया था, कुछ लोग आते थे उन्होंने भी गाया, और अब हम कर रहे हैं पैकअप। तो प्लीज़ पहले तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ यार, प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, कुछ तो बताओ यार। बहुत अच्छा रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे को प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया व्यूअर्स से। अभी क्या है काम करने का? ओके छोटे साथ, हाँ ऐसा करता है अभी उनको करना था, 2 माइक बस में एक और फरमाइश, एक और फरमाइश हम लोगों को आई है, और अब हम ओल्ड मेडले अगेन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पुराने लोग हैं जो कि कर रहे हैं इसको, और उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है। आवाज़ बैठ चुकी है, जिस बिकॉज हम लोगों ने 6 घंटे 5 घंटे नॉन स्टॉप गाया, तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, तो ऑब्वियसली बात है हमको बोला जाएगा। नथानी जी अपना समूह बनाते हैं,
और मैं पूरा गीला होता हूँ ऊपर से नीचे। सो फाइनली हम लोग का शो हुआ ख़त्म और हम मर चुके हैं पूरी तरीके से, पूरा गीला हो चुका हूँ ऊपर से नीचे तक। और बाकी आप मेरे बाल देखो, मेरी शक्ल देखो, बहुत गंदे तरीके से थका हुआ हूँ यार। ये देखो कैसे हंस रहे हैं बच्चे, मतलब बेशरम है ये लोग। मतलब क्या अपन प्ले करके काफ़ी थक चुका हूँ, नींद से आ रही है, बाकी है कल भी करना जरूरी है, सुबह करके ही जाएंगे, इधर करके ही जाएंगे तो देखते हैं। हल्ला बोलो, इधर करके जाएंगे, सही बात है। और छोटे आप चैनल को क्या करोगे तुम? सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। कौन से? चंदोला, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोगों, अब हम लोग फाइनली कुछ खाने वाले हैं। हम लोगों ने अप्रॉक्स, चलो हम मान के चलते, हम लोगों ने अप्रॉक्स 4-4.5 घंटे ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप प्ले किया, नॉन स्टॉप 4-4.5 घंटे हम लोगों ने प्ले किया। उसके बाद अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, बिकॉज हम वी आर सो हंग्री, और हम इसे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। कुछ भी हंग्री पॉइंट से आए ये बोल तो रहा है खुद, लेकिन खुद से नहीं किया हुआ भाई ने, लेकिन बहुत ही अच्छा। अरे भाई भाई, इस बात को तो मैं रखूँगा, इस बात को मैं अपने पास रखूँ, कोई बात नहीं, उठा देना उसे बैठ के कुछ। अरे बस बस तुम रखो ना। ये फर्स्ट टाइम था कि हमने कम से कम 4.5-5 घंटे लगभग लगातार गाना गाया, लगातार शो किया, बीच में नो ड्रिंक्स, नो फूड, कुछ नहीं था, मतलब ये लगा लो बस लगातार गाना ही गाना था। एंजॉय किया शो, अभी हम बहुत थक चुके हैं, बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, चुके हैं कि नहीं थक चुके परवीन भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप इस शो के बारे में? बहुत थकान भरा था, फाइनली शो खत्म हो गया है, बाकी है कि लगातार कंटिन्यू गाया है, कंटिन्यू गाया है और कंटिन्यू बजाया भी है। सो सी माई हैंड्स, सारे काले नीले लाल सब पड़े हुए हैं, सी इससे आपको पता लगता है कि मैंने कितना बजाया है, यू नो कौन किए, मैंने पूरी की हालत खराब कर दी है, कैसा रहा है मेरा हेड का हेड। सर मैं बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी बात आपने ये है कि बहुत प्यारा है, सीरियसली मैं दिल के जितने सॉन्ग उन्होंने गाए मैं सारे प्यारे गए, अनिरुद्ध भाई ने भी बहुत अच्छे सॉन्ग गाए, उन्होंने काफ़ी अच्छा गिटार तो भैया मैं क्या बोलूँगा, लीडिंग गिटार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तारीफ हो रही है मेरी, तारीफ ब्रो भाई, सिंगिंग भी तो करता है यार, गिटार होती है हमारी, कोई बात नहीं है ब्रो। सबसे बड़ी बात आपने की प्रवीण भाई, क्या बात है, बजा बजा के कैमरे भी करने में, क्या बोलूँगा, एक बैलेंस आर्टिस्ट चाहिए आप बोलो, मैं सिंपल से बोलो, एक बैलेंस आर्टिस्ट चाहिए, तो बैलेंस आर्टिस्ट है अनिरुद्ध चंदोला, को कॉन्टैक्ट कीजिए, दीपक सर को कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाई है, और मैं चाहता हूँ कि यार आने वाले टाइम में दीपक भाई और अनिरुद्ध भाई आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा और ग्रो करें, जाए अच्छी तरीके से और बड़े बड़े चीज़ें जाए दीपक। और प्रवीण भाई आप जानते होंगे कि आज सिद्धार्थ भाई ने बहुत ही अच्छा कथक किया है यहाँ पर। तो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग, और आपको सॉन्ग्स भी मिलेंगे इसमें, हम लोग कुछ अपलोड करने वाले हैं मेरी सून, अभी तो मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर सो टायर्ड राइट नाउ, और बस यही सब चल रहा है। आशा करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अनिरुद्ध चंदोला के चैनल को, और बहुत टाइम के बाद मैं कुछ डालूंगा अपने चैनल पे, और बने रहें, एंजॉय करते रहें, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे म्यूजिकल, बाय।